वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और इसके साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वकास हियर विद अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक न्यू मॉडल की विच इज़ फ्रॉम टेक्नो। टेक्नो ने अपना एक न्यू मॉडल लॉन्च किया है विच इज़ टेक्नो पॉप 4। यह टेक्नो की पॉप सीरीज़ का थर्ड मॉडल है। इससे पहले टेक्नो ने इंट्रोड्यूस करवाया था टेक्नो पॉप 2F, जो कि था 1 GB ऑफ रैम में एंड 16 GB ऑफ रोम के साथ। इसके बाद टेक्नो ने इंट्रोड्यूस करवाया था टेक्नो पॉप 3, जो कि था 1 GB ऑफ रैम एंड 16 GB ऑफ रोम के साथ। और अब यह थर्ड मॉडल है विच इज़ टेक्नो पॉप 4, और टेक्नो इसको इंट्रोड्यूस करवाया है इन 2 GB ऑफ रैम एंड 32 GB ऑफ रोम के साथ। अगर बात करूं टेक्नो के इस मॉडल की लॉन्चिंग की, तो टेक्नो ने काफ़ी अच्छे टाइम पे इस मॉडल को लॉन्च किया है, बिकॉज अब तक जितनी भी कंपनी हैं पाकिस्तान में वेल नोन कंपनीज जिनका मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा शेयर है और उनकी डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही हैं, इन कंपनीज में लाइक ओप्पो, वीवो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, सैमसंग, नोकिया, इन तमाम कंपनीज के अगर हम प्राइस टैग चेक करें तो इनमें 10,000 से लेके 12,000 तक का जो प्राइस टैग है वो एम्प्टी था। सो टेक्नो ने इस मॉडल को लॉन्च करके वो 10,000 से लेके 12,000 तक का जो प्राइस टैग है उसको फिल कर दिया है, और टेक्नो ने अपनी इस डिवाइस को काफ़ी अच्छे टाइम पर लॉन्च किया है। अगर इसे पीछे देखें तो टेक्नो का जो पॉप 3 मॉडल है वो अवेलेबल है इन 9,000 रुपीज़। सो 10,000 से लेके 12,000 तक का जो प्राइस टैग है वो ये डिवाइस उसको फिल करती है। अगर आपने टेक्नो पॉप 3 की वीडियो नहीं देखी तो मैंने यहाँ पर आपके लिए कार्ड छोड़ा है, आप यहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए लिंक रख दूंगा, आप वहां पर टेक्नो पॉप 3 की वीडियो भी देख सकते हैं। सो दिस इज़ अ लो बजट डिवाइस, इसको आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं डेली रूटीन लाइफ में, ये हाई परफॉर्मेंस आपको नहीं दे सकती। इस वीडियो में हम चेक करेंगे कुछ कैमरा सैंपल्स, इसकी लुक ऐसी है, अनबॉक्सिंग करेंगे। इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा ताकि आपको इस डिवाइस के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं वकास, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी जंक्स। कैमराज की कुछ बात करें तो यहाँ पर हमें 5 MP का रियर कैम मिलता है विद ड्यूल LED फ्लैश। और अगर बात करें फ्रंट कैमरे की, जो कि सेल्फी कैम, तो यहाँ पर हमें मिलता है 8 MP का सेल्फी कैम। सो यहाँ पर फ्रंट में भी और बैक में भी LED फ्लैश प्रोवाइड की गई है। अगर बात करूँ यहाँ पर कैमराज के सैम्पल्स की, तो यहाँ पर मैंने इसी डिवाइस से कुछ इमेजेस क्लिक की हैं एंड मुझे यहाँ पर इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ किसी और इतनी रेंज के कैमरे के साथ, तो मैंने अभी तक जितने भी इस रेंज में डिवाइसेस को एक्सपीरियंस किया है, मुझे इस डिवाइस के कैमरे के सैंपल काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। यहाँ पर मेरे पास इंडोर आउटडोर दोनों इमेजेस के जो हैं वो सैंपल्स हैं, आप खुद ही इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो यहाँ पर कैमरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इतनी रेंज में डिवाइस खरीदना चाहते हैं डेली रूटीन के लिए, उसका कैमरा भी अच्छा होना चाहिए, तो आपको ये डिवाइस ज़रूर परचेज करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं कुछ डिज़ाइन की, तो यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी है, बैक साइड पे हमें ग्रेडियंट कलर जो है वो अवेलेबल किए गए हैं, और मेरे पास जो कलर है ये है डॉन ब्लू कलर। और यहाँ पर जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रही है। इसका जो प्राइस टैग है 11,500 रुपीज़, उसके लिहाज से बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी महसूस हो रही है। बैक साइड पर हमें मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर, और यहाँ पर जो कैमरा का डिज़ाइन है वो जियोमेट्रिकल डिज़ाइन दिया गया है, और हमें मिलता है सिंगल रियर कैम, और इसके बिल्कुल नीचे LED फ्लैश है, और राइट साइड पे लिखा है टेक्नो पॉप 4, जो कि डिजाइन को काफी ज्यादा प्रोमिनेंट कर रहा है। नीचे वाली साइड पे हमें मिलता है 3.5 mm का जैक, इसके साथ माइक है, और इसी के साथ USB टाइप बी पोर्ट हमें मिलती है, और आई एम सरप्राइज्ड कि यहां पर हमें स्पीकर जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया। राइट साइड में हमें मिलता है वॉल्यूम रॉकर्स, और इसके नीचे पावर बटन है, और इसके अलावा जो सिम जैकेट है वो यहाँ पर हमें अवेलेबल नहीं की गई, इसके लिए हमें डिवाइस को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पर इसकी जो सिम्स हैं वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 2 नैनो सिम्स हैं, और इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं SD कार्ड एट अ टाइम इस डिवाइस में।
यहाँ पर एक छोटी सी बात जो नोटिस करने वाली है, यहाँ पर कंपनी ने हमें जो स्पीकर है वो प्रोवाइड नहीं किया। आई एम सो मच सरप्राइज्ड कि कंपनीज जो हैं वो ऐसा क्यों करती हैं। टेक्नो ने अपने इससे पहले जो मॉडल इंट्रोड्यूस करवाए थे, टेक्नो पॉप 2F और पॉप 3, वहाँ पर हमें सेपरेट जो है वो स्पीकर ग्रिल्स मिलती थी और जो एयर स्पीकर है वो मिलता था। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने हमें सेपरेट जो है वो स्पीकर प्रोवाइड नहीं किया। यहाँ पर एयर स्पीकर और जो दूसरा वॉल्यूम के लिए स्पीकर है वो सेम है। मैं आपको यहाँ पर अगर चेक करवाऊँ तो यहाँ पर जब भी आप किसी चीज़ को प्ले करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो आपको इस एयर स्पीकर से ही सुनाई दिएगा। देयर इज नो स्पीकर ग्रिल। सो दिस इज़ अ ड्रॉबैक। अगर कंपनी हमें 11,500 रुपये में एक डिवाइस प्रोवाइड कर रही है 2 GB ऑफ रैम 32 GB ऑफ रोम के साथ, कम से कम यहाँ पर हमें एक स्पीकर ग्रिल तो प्रोवाइड करनी ही चाहिए थी। सो ये थोड़ी सी डिसपॉइंट करने वाली बात है। सॉफ्टवेयर की कुछ बात करें तो यहाँ पर टेक्नो का ये मॉडल बिल्ड इन एंड्रॉयड 10 वर्जन के साथ हमें अवेलेबल है। इसके बाद हमें यहाँ पर प्रोवाइड की गई है हैंड फ्री USB टाइप बी केबल और इसके साथ एक हमें यहाँ पर नॉर्मल चार्जर जो है वो प्रोवाइड किया गया है। सो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस डिवाइस को कैमरे के लिए ख़रीदना चाहते हैं बिकॉज दिस इज़ अ लो रेंज डिवाइस, तो इस रेंज में भी इसका जो कैमरा है वो आउट क्लास है। सो यू शुड गो विद डिवाइस। और अगर आप इसको डेली रूटीन के लिए यूज़ करना चाहते हैं सो दिस इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू।